So very good morning guys and welcome to another vlog of Narrator on Wheels. तो आज प्लान बना है हमारा पानीकोट लेक जाने का. थोड़ा नहाने का मन कर रहा था यार, सल्फर से भरे गंदे पानी में. वैसे गंदा पानी तो नहीं है, कई बार हम जा रखे हैं नहाने के लिए, अच्छी जगह है. हम चार ही लोग हैं, मैं, यशवंत, मयंक और रजत. अबे 23-24 ही है, 85 पे चल रहा हूँ, 23-24 दिखा रहा है. दर्द हो गया. अरे यार, कुत्ते वगैरह हैं. भाई कसम से ना, इस GFR रोड को ना संडेज को सिर्फ और सिर्फ राइडर्स के लिए कर देना चाहिए. बाकी और दिन आप करते रहो, ट्रक्स वगैरह का आना जाना होना चाहिए, बट संडेज को भाई प्लीज़. इस रोड को तो एक यही तो रोड है जो सबसे खास है. ट्रैफिक. अबे यार क्या है, मैंने क्या कही थी, इसे रख दो सिर्फ संडेज के लिए, राइडर्स वगैरह के लिए. ट्रक्स के आसपास तो हमें भी तेज़ चलाने का मन नहीं करता, क्योंकि भाई 3-4 टन का बोझा, इधर उधर भी हैंडल उसने मोड़ दिया ना गलती से, ब्रेक भी नहीं लगा पाएंगे. अरे यार क्या नौटंकी है भाई को ये. वो जो होता है ना एक अंदर से खुशी, वो खुशी मर जाती है ना जब, तो ऐसा लगता है इंसान को. वो खुशी पता है मेरी कब मर गई थी, जैसे ही एकदम मैंने मोड़ा ना पहले वाले मोड़ को, और जैसे ही मेरी नजर गई 4 बार ट्रकों पे ऊपर चढ़ रहे हैं, मैंने कहा बस हो गया भाई आज तो कांड. सो भाई टोल पे अभी सौरभ ने और ज्वाइन कर लिया है हमें. यहाँ पे देवी भाई भी आने वाला था, वो पता नहीं कहाँ रह गया. हे भगवान. अरे भाइयों एक लीन तो ढंग का लेने दो. हाँ एक लीन पे तो मजे लेने दो, हर जगह तुम लोग खड़े हो. रास्ता ये रहा, सो भाई ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक शॉर्टकट रास्ता जाता है यहाँ थाने के पास से, ठीक है ना, पानीकोट को. अभी आगे का रास्ता मेरे को भी नहीं पता है, आगे का रास्ता हमें गूगल मैया से ढूंढवाना पड़ेगा. यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रक थे, यहाँ पे गऊ माता हैं, और गऊ माता फिर देखती नहीं है कि आप 150 पे हैं या 160 पे हैं, गऊ माता सिर्फ आगे आती है. कुत्ते ने पीछे क्यों देखा, मेरे भाई.
देखा, काटने के लिए ही देखा था उसने। हट जा कबूतर, हट जा, हट जा। ये क्या किया उसने, लिफ्ट मांग रहा था क्या? ओरो बाबरे, ट्रैफिक आ गया भाई, और मेहरौली का ट्रैफिक आ गया भाई। देखा आ गई ना गौ माता, नाम लिया मैंने और गौ माता हाजिर, कह रहे कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे हम। ये हो मुकत्ते कुरु नो का निगेज़ु नी कोनो डियो नी चिकाज़ुइते कुरु नो का। मम्मी या तो गोबर से ही बचा लेता या तो गौ माता से ही बचा लेता। अभी ये सींग चढ़ जाते मेरे यहाँ वाइजर पे। कबूतरो हट जाओ, हट जा, हट जा। कसम से भाई, वरना आज कबूतर हंटिंग पे ही निकले हुए हम। ये है भाई लोग यहाँ का पूरा व्यू। भाई क्या मस्त जगह पे गांव बना रखा है ना। सारे पोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ों से दूर। अरे गौ माता यहाँ पे भी यू टर्न पे आज, मतलब कि मेरे को करने ही नहीं दोगे लीनिंग है? सबने प्लान बना रखा है, ट्रक वालों ने और तुम लोगों ने है? मुझे लग रहा रात को मीटिंग हुई होगी ट्रक वालों की और इनकी। अरे टंकी भर गई भाई, बंद कर लो या 150 रुपये वाला हो टाएँ टाएँ लगा लो। आपकी टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर लें। अरे भाई ये कुत्ता मेरी तरफ क्यों देख रहा है? भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जा रहा अपना आराम से ले। मैंने भाई ये तो जर्मन शेपर्ड और पता नहीं किस किस की मिक्स ब्रीड ही बैठी है। हट जा। हाँ हाँ, बाइक के साथ ही हैंडल पे लटका के ले जा लूँगा। अब ये होते हैं सॉलिड पहाड़, बिल्कुल पत्थर के बने हुए, ये कभी ना गिरे जिंदगी में। धरती इधर से उधर हो लेगी, ये ना करेंगे, अपनी जगह से ना हिलेंगे। ये गई थी गिलहरी, अभी टायर के नीचे आ गई क्या? बच गई मुझे लग रहा है। अच्छा मतलब कि अब गिलहरी से भी बचना पड़ेगा, इनकी भी यूनियन बनी हुई है भाई। मतलब कि सारे एनिमल प्लैनेट ने ही मेरी आज लीन पे रोक लगा रखी है। खड्डे हैं या कुएं बना रखे हैं? ये कुत्ता फिर से मेरे की, आज सारे कुत्ते मेरे को क्यों देख रहे हैं? आज काटने की प्रतियोगिता है क्या? अबे स्पीड ब्रेकर तो थोड़े इतने बड़े बना दो कि दिख जाएं, छोटे छोटे बना रखे, दिख भी नहीं रहे। ओ भाई ऑफ रोड, ये तो आसानी से पार होगी। ये बच्चों देखा, 400 सीसी की गाड़ी लेके ऑफ रोड कर रहा हूँ मैं तुम्हारी गलियों में। रास्ता, अच्छा हाँ रास्ता याद आ गया, ये रही वो दुकान। यस यस, रास्ता याद आने को मांगता मेरे को। ये रहा वो रास्ता जहाँ पे टायर की बोलती बंद करता भाई। हट जा रहा भैया, कौन सा सही है, नीचे वाला? डेंजर खतरा लाल कलर। अरे भैया ऑफ रोड का माय बाप होने को मांगता इस रास्ते को तो। ओ ये क्या बे, आराम से भैया, आराम से आने को मांगता। किसी की बाइक को मैं कंधे पे ले जाने को नहीं मांगता। ओ भाई एक बार के लिए व्यू देख लो, ये मस्त व्यू। और मम्मी आज मेरे अपोलो का बिल्कुल घनिष्ठ टेस्ट हो रहा है। ओ
भाई वीडियो में आने को मांगता, व्लॉग में लेने को मांगता, अपन को को ये मांगता। किधर लगाने को मांगता भाई, जितनी बार भी यहाँ आओ ना, फिनोमिनल दिखती है यार ये लेक, फिनोमिनल। क्या मस्त जगह है ना यार, क्या मस्त जगह है। आहा, आज थोड़ा सोच रहा हूँ वहाँ तक जाऊँ स्विमिंग करता हुआ, अब देखते हैं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। आहा, क्या हवा चल रही है यार, मज्जा नहीं, लाइफ मस्त है एकदम। पानी मतलब कि ठीक ठाक हो रखा है, मुझे लगा था पानी ठंडा होगा, पानी ठीक ठाक हो रखा है, नहाने लायक बिल्कुल बढ़िया। साफ तो क्या मतलब कि खैर साफ तो नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ इतना काफ़ी है कि हाँ हाँ कर सकते हैं। चलो फिर कपड़े वपड़े उतारते हैं, रेडी होते हैं, डुबकी डबकी मारते हैं। चलिए, ये गहराई है, बहुत गहरा है, बीच में बहुत गहरा है। ये नेचर मेड है या फिर मैन मेड है? नेचर मेड नहीं है, मैन मेड है शायद, क्योंकि पत्थर जिस हिसाब से कटे हैं ऐसा लग ही रहा है, ब्लास्ट करा गया है, मैन मेड है, मैन मेड है। ये पूरा ना यू कतार में ना पत्थर है, और फिर यहाँ से उधर तक पत्थर हैं, फिर यहाँ पे गहरा है और वहाँ पे गहरा है, और बाकी ये सारा ये पत्थर है। आप देखा जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं ना, पूरा रास्ता है ये यहाँ पे। अभी पूरा टॉप पे चढ़ के दिखाएंगे आपको पूरा लेक अच्छे से। यहाँ पे ना सिर्फ एक ही वो है डिसएडवांटेज यहाँ पे आने का ना, स्किन कोमल हो जा रही है ना, तो ये पत्थर देख रहे हो, ये क्या पैना पत्थर है, क्या एज देख रहे हो इसकी, ऐसे ऐसे पत्थर ना खूब हैं यहाँ नीचे ना, क्योंकि मार्बल का है पूरा ये, और ऐसे तिकोने कट रखे ना ये, ऐसे ऐसे ये धार, ये चुभ रही है पैरों में, इतने गंदे तरीके से चुभ रही है ना, क्योंकि अब जैसे यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर तो दिख रहे हैं ये कैसे पैर रखना है क्या है, नीचे तो पानी के बस ऐसे ही है। ये है यहाँ का पूरा व्यू, ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना आपको, ये पूरा लैंड मास है, ठीक है ना। अब वहाँ पे जहाँ पे डार्क कलर दिख रहा है पानी का, वहाँ पे पूरा गहरा है, यहाँ पे पूरा गहरा है, ये सीधा यहाँ से वहाँ उस कोने तक पूरा पत्थर पत्थर है, वहाँ तक भी पत्थर पत्थर है, बीच में थोड़ा सा गहरा है, बट पता नहीं गहरा भी है या पत्थर ही है, यहाँ पर ज़्यादा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। पूरा जहाँ जहाँ पे देखिए ब्राउन कलर की शेडिंग आ रही है ना, जहाँ पे सारी जगह वो है। अब ये तो यहाँ से कभी पानी गायब होगा तभी पता चलेगा कितना लैंड मास है नीचे। बाप रे, जलन ऐसी हो रही है ना आँखों में, खतरनाक, हाँ खतरनाक जलन हो रही। भैया गए तेजी में एकदम, हम चेज नहीं कर पा रहे उन्हें। ये देखो क्या हो रहा है, हवा थोड़ी सी भी चल रही ना, ये देखना भाई लोग क्या चमक रहा है ना, देखो क्या चमक रहा है। चलिए जी निकलते हैं और कुछ खाने वाने का पॉइंट ढूंढते हैं। अभी एक प्लान तो ये बना है कि भाई यहीं से कुछ पानी वानी और ऐसे ही चिप्स वगैरह ले लेंगे, और जी एफ आर जाके पिट स्टॉप में बैठते हैं। एक तो चक्कर क्या है ना यार, थोड़ा सा बारिश का भी मौसम होता ना तो ठीक रहता, बट यहाँ पे हो रखे बिल्कुल चिड़चिड़ी धूप,
और एक बार पानी से निकल गए ना उसके बाद तो फिर ऐसे चुभ रही है ना धूप कि क्या ही बताएं। और ऊपर से हमने ऑल ब्लैक पहना हुआ है, ऑल ब्लैक द नेक्रोसॉर्ड। चले भाई चले। लो भैया निकलते ही ट्रैफिक जाम, आज लीन करने ही नहीं देगा कोई मेरे को। अरे हाँ अभी तो ट्रक वगैरह भी बंद हो गए होंगे। बाय। बच्चे ना कैसे खुश हो जाते हैं गांव में ना। अरे 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 आराम से धीरे कर लो भाई। इस रोड की ना सबसे गंदी बात यही है, यहाँ पे जो चलाते हैं ना गाड़ी वाले, ट्रक वाले, बस वाले, बाइक वाले, हर कोई भाई रॉन्ग साइड आ जाता है ओवरटेक करते हुए। ये हवा में दूर से दिख गया था मुझे एलिवेशन, मैंने कहा अब तो एक और हवा में। बट भाई आरसी होती ना फिर तो असलियत में ही हवा में चला जाता मैं। अब देखते हैं ट्रक वगैरह तो कहीं है नहीं, गाय भी कोई मिलेगी नहीं, अब सरा तो दो हाथ हो जाए शेरफार की रोड से। मन तृप्त हो जाता है यार, मन तृप्त हो जाता है। हाय 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 हाय, ऐसा लगता है जैसे कई जन्मों का दोष था मेरे ग्रहों के ऊपर और वो एकदम चला गया है, ऐसा लगता है। आ हा हा हा, ऐसा हल्का फील होता है ना। हाय 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 हाय, बता नहीं सकता यार क्या फीलिंग है ना।